नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंगानगर पशु मेले में। दोस्तों आप ये देख रहे हो जो व्हाइट घोड़ी दौड़ रही है, काफ़ी अच्छी और देखने में बहुत ही सुंदर ये घोड़ी है। इनके मालिक हरियाणा से आए तेजेंद्र सिंह जी का कहना है कि पूरे इंडिया में ऐसी घोड़ी नहीं है। क्या खासियत है इस घोड़ी की, जानेंगे मिस्टर तेजेंद्र सिंह जी से। और उनका दावा है कि 70 इंच की ये घोड़ी है और पूरे इंडिया में ऐसी हाइट की घोड़ी कहीं पर भी नहीं है। नाम है इसका रूही, बहुत ही प्यारा नाम है। हम बात करते हैं आगे मिस्टर तेजेंद्र सिंह जी से, जो बताएंगे हमको इस घोड़ी के बारे में और जानकारी देंगे इस घोड़ी को कैसे उन्होंने तैयार किया, कैसे इसको रखा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की ओर, देखते रहिए आप पूरा वीडियो। पूरे इंडिया में सर इससे हाइट की नहीं मिली घोड़ी? नहीं मिलती। तो आप पुष्कर में लेके आना चाहिए था सर आपको। फिर मैं ज़्यादा इतना महंगा जानवर दूर से बता आपकी है क्या ये? हाँ जी हाँ जी। बताओ इसके बारे में ज़रा डिटेल से मुझे। ये यहाँ पे आओ आप। ये अलवंद घोड़ा है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है। तेजेंद्र सिंह कहाँ से? कहाँ से? सिरसा हरियाणा से। सिरसा हरियाणा से हो? हाँ जी हरियाणा। अच्छा अब बताओ इस घोड़ी के बारे में, क्या नाम है इसका? इसका नाम रूही है जी। रूही? अच्छा। 70 इंच हाइट है इसकी। 70 इंच? 70 समझ गया। 70 इंच अच्छा। हाइट है। अलवंद घोड़ा है। अलवंद? अलवंद कहाँ का? जो मलूका है पंजाब में। पंजाब में वहाँ का घोड़ा है। अच्छा, उस घोड़े की बच्ची है। उस घोड़े की इसकी माँ है भाना प्रभार से। भाना प्रभार से आपके पास ही है क्या वो? हाँ जी वो भी हमारे पास है। उसकी हाइट इससे भी डबल है। हाइट में? हाँ जी हाइट में इससे थोड़ी कम है, वैसे हेल्थी हेल्थ में अच्छी है, मतलब ग्रोथ अच्छा है उसका। अच्छा उसकी कितनी हाइट है? 69। उसकी 69 है और ये 17 की हो गई। हाँ जी 17 की हो गई। इसकी फादर की हाइट कितनी थी? इसके फादर की हाइट भी इतनी नहीं है, 69। तो ये नौकरी में आएगा प्योर या फुलकारी? हाँ है। हल्की फुलकारी है इसमें। फुलकारी स्पॉट आ जाती है। स्पॉट है। अच्छा उम्र इसकी मात्र 3 साल है? 3 साल है। अच्छा अच्छा काफ़ी अच्छी हाइट है इस घोड़ी की। हाँ जी हाँ जी। तो इसका ग्रोथ घर से है या कुछ और है? डिपेंड ग्रोथ है, डाइट पे भी डिपेंड है। डाइट और कुछ स्पेशल खिला रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी। तैयार स्पेशल आपने करता है? आप खुद करते हो तैयार? अपने ग्राइंड वगैरह सारा कुछ उसे करते हैं। अच्छा अच्छा। जो भी मिक्सर वगैरह सारा कुछ अपने लगा है। अच्छा मतलब क्या तैयार करते हो आप, ऐसी कोई चीज़ हो? कुछ सोयाबीन उबाल के देते हैं जी। उबाल के? हाँ जी। अच्छा अब सर्दियों की डाइट होगी, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गई है और तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया। और काली जीरी हम बंद करते नहीं कभी भी। काली जीरी? काली जीरी 10-15 ग्राम डेली देते हैं। डेली? हाँ जी। अच्छा, कभी अच्छा। गर्मी सर्दी हर। उससे क्या होता है काली जीरी से? काली जीरी में इसमें बाईबादी नहीं आती है। तो बाईबादी नहीं आती? अच्छा ये हाथ पैर सही रहते हैं? हाथ पैर सही रहते हैं। अच्छा अच्छा ग्रोथ के लिए क्या देते हो? ग्रोथ के लिए तो बस यही डाइट होती है, यही जो बाजरा आप बता रहे हो बाजरा हो। हाँ जी हाँ जी। एक वहाँ का स्मग कंपनी का कैल्शियम आता है। अच्छा कौन सी? मिल्क ऑन के नाम पे। मिल्क ऑन? मिल्क ऑन ऑन। हाँ जी। अच्छा अच्छा उस नाम का कैल्शियम है वो। हाँ। बहुत ही बढ़िया कैल्शियम है, बहुत अच्छा रहता। हाँ। है वो बोन के लिए बहुत ही बढ़िया है। बोन के लिए? अच्छा। हड्डी के लिए? हाँ समझ गया, मजबूत मजबूती के लिए। अच्छा तो वो आप डेली देते हो या किस हिसाब से? हाँ डेली देते हैं वो। डेली कितनी 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 मात्रा में? 30 ग्राम से 40 भी 60 भी दे सकते हैं। अच्छा तो उसको डेली देते हो तो 30 बहुत आपको। अच्छा उसको किस में देते हो आप? चारे में दे दो, चारे में दे दो, ठंडे में दे दो, बंटे में दे दो, पानी में भी दे सकते हो, पानी में भी दे सकते हो। अच्छा अच्छा तो अंदर जाना चाहिए वो, अंदर पेट में जाना चाहिए बस। सही बात है, सही बात। अच्छी हाइट की घोड़ी है 17, तो काफ़ी अच्छी है। अभी इसको घोड़ा नहीं दिखाया आप? घोड़ा अभी दिखाएंगे, वैसे दिखाया था। अच्छा चेक नहीं करवाई अभी? चेक नहीं करवाई। 3 साल में काफ़ी अच्छी। अभी इसकी और हाइट और जाएगी? इसकी हाइट अभी 1.5 इंच और चली जाएगी। अभी भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है। कितने दांत कर लिए इसने? इसके 4 दांत हो गए। 4 दांत हो गए कंप्लीट। अभी पिंजारे तक की हाइट करेगी। अच्छा अच्छा मतलब एक 1.5 इंच और बढ़ जाएगी इसकी हाइट? हाँ, आराम से बढ़ जाएगी है ना। अच्छा वो भी आप कहेंगे? हाँ जी चलो उसका करवा दो मैं।